दोस्तों एक बार के लिए ये इमेजिन करो कि आपके पास एक बॉल है, आप उसे फेंक सकते हो, पकड़ सकते हो और ये देख सकते हो कि वो किसी भी मोमेंट पर कहाँ है। और हम अपने डेली लाइफ में बाकी चीजों को भी इसी तरीके से इमेजिन करते हैं और ये चीज ऑब्जेक्ट से पार्टिकल बिहेवियर को शो करती है। और अब ये इमेजिन करो कि आप एक समुंदर के किनारे हो एंड उस समुंदर में वेव्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं। आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि वो वेव्स कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाकर खत्म हो रही हैं। और यही चीज होती है वेव नेचर। और ठीक इसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट वेव भी है और पार्टिकल भी एट द सेम टाइम। इसी को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका रिजल्ट काफी शॉकिंग था। साइंटिस्ट ने काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट के द्वारा एक टारगेट पर शूट किया था और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उन इलेक्ट्रॉन्स ने स्लिट के द्वारा नॉर्मली पास होने के बजाय एक वेव लाइक पैटर्न बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पाथ को इंटरफेयर कर रहे हैं जैसा कि वेव्स करते हैं। पर जब साइंटिस्ट ने उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया तब वो इलेक्ट्रॉन्स अपने नॉर्मल रूप में आ गए, यानी कि वो पार्टिकल्स के फॉर्म में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन इलेक्ट्रॉन्स को ये पता हो कि उन्हें कोई देख रहा है और यही चीज कहलाती है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी।